नजर दिल्ली यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। हर बार हम समाज के नए नए पर्सनालिटीज को आपके सामने लेके आते हैं। आज हमारे बीच में धनपाल गोयल जी, पंजाब बाग निवासी, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत हमारे चैनल में। तो आपको बताया धनपाल जी के बारे में, एक बहुत बड़े समाज सेवी है और मतलब बहुत सी ट्रस्ट की संस्थाओं के आप प्रेसिडेंट हैं और वर्तमान में पंजाब बाग महाराजा सोसाइटी के भी आप प्रेसिडेंट हैं। तो आज इसी से संबंधित इनसे जानते हैं, आपकी अभी लगातार आने वाले टाइम में एजीएम होने जा रही है, तो एजीएम के अंदर मुख्य एजेंडे क्या क्या होते हैं? जैसे एजीएम हर ये साल में एक बार होती है, तो इसका एजेंडा क्या क्या रखा हुआ? क्या एजेंडा? इसमें कोई खास नहीं होता, एजेंडा तो लोगों से मांग लेते हैं पहले, भाई आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, लोग ले जाते हैं, पूछ लेते हैं। और इसमें तो खाली बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट वगैरह पेश करनी पड़ती है, वो मुँह कर देते हैं। तो इसमें कौन कौन अलाउड होते हैं, कौन लोग आ सकते हैं आपके इस एजीएम में? मेंबर या मेंबर के परिवार से कोई भी आ सकता है। अच्छा, तो वो सब शाम को, जैसे इस बार सुनने में 6 बजे शाम की है, शाम तो 6 बजे से लेके, तो उनके कुछ एंटरटेनमेंट का भी कुछ कल्चर वगैरह भी रखते हैं? बिल्कुल होता है। और वो उसके बाद लंच डिनर जो भी होता है, डिनर भी होता है और प्रोग्राम भी होता है सारा। तो अभी जैसे अपनी संस्था तो बहुत पुरानी है, मेरे ख्याल लगभग 40 साल के आसपास, तो शायद इस संस्था 45 साल हो गए। तो इस 45 साल जैसे जैसे साल बढ़ता है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है इस संस्था का प्रेसिडेंट जैसे आप यहाँ है? शायद मेरे ख्याल नेक्स्ट ईयर चुनाव भी है इसके, इसी साल है। कब है? नवंबर 24 में चुनाव। तो आपका क्या लगता है कि अब संस्था में आपके आने के बाद कितना परिवर्तन आपको देखने को लगा? नहीं, मैंने तो बहुत काम किया लोगों का, 20-25 हजार मेंबर है हमारे, 20-25 मेंबरों का ऐसा कोई मेंबर नहीं मिलेगा आपको जिसका मैंने कोई काम नहीं किया जी। हर मेंबर का काम किया है। घर में 4 आदमी है वो इकट्ठे नहीं रह सकते, लेकिन मैंने 25,000 लोगों को इकट्ठा करके चला हूँ, और 25,000 लोगों में से कोई एक आदमी ये नहीं कह मिले नहीं मिलेगा आपको कि मेरा काम नहीं हुआ है, सबका काम हुआ है। तो सब सबको लोन देते हैं, कोई भी लोन लेने आ जाए लोन देते हैं सबको, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। विधवाओं को पेंशन देते हैं। अच्छा, 1500 रुपये महीना विधवाओं को पेंशन देते हैं वो, लेकिन हमारे मेंबर होने चाहिए, मेंबर होने चाहिए। उनका पति जो है पहले गुजरा हो, यानी कि अब जाके वो मेंबर बन गई उसके लिए ऐसा नहीं है, पहले वो मेंबर हो, उसके बाद हस्बैंड की डेथ हुई तो उसको हम विधवा मान के चलते हैं, विधवा मान के चलते हैं और उसको पेंशन देते हैं, पेंशन देते हैं। तो ये पेंशन का जो सुझाव, ये पूरे लाइफ टाइम के लिए है या कुछ एक लिमिटेड लाइफ टाइम के लिए? मतलब जब तक वो मेंबर रहेंगे, जब तक मेंबर रहे जब तक मिलेगा उसको। तो ऐसे उनके बच्चों के लिए भी कुछ बेनिफिट है निकाले हैं या मेंबर्स के बच्चों के लिए? अभी तो नहीं कुछ निकाले। तो नहीं, जैसे पीछे भी सुनने में आता कि एक सामूहिक जो लोन देते हैं जिनको आप, वो सुनने में आता कि एक सामूहिक बीमा कराएंगे ताकि कल को कोई डिफॉल्टी हो जाता है तो। हाँ, बीमे की बात चल रही है, इंश्योरेंस कराना पड़ चाहिए और मेरी इच्छा भी है इंश्योरेंस कराने की। इंश्योरेंस तो हम करवाएंगे अब की बार में, एजीएम में पास करवाएंगे और इंश्योरेंस करवाएंगे पक्का। हाँ, क्योंकि कल को कई बार बंदा डेथ हो जाती है तो जो श्योरिटी होते बेचारे फंसते उसके चक्कर में जाते हैं, तो वो इंश्योर्ड होगा लोन तो वो आपके बार एजीएम में पास करवा लेंगे और इंश्योरेंस चालू कर देंगे, इंश्योरेंस चालू करने का प्रोग्राम बेचारे। तो इनके लिए कुछ हेल्थ का भी, आपने जो अपने स्टाफ है उसका, उनके लिए अपने पास क्या क्या बेनिफिट है, फैसिलिटीज है? स्टाफ को यात्रा भाड़ा पूरा दे रखा है और स्टाफ का इंश्योरेंस पूरा करवा रखा है। अच्छा, मेडिक्लेम करवा रखा है। ओके, सब कुछ स्टाफ का, पिछले जब से मैं आया हूँ तनख्वाह करीब डबल से भी ऊपर हो गई है। ओके, और मेरे आने से पहले 6 साल पहले 1 रुपया उनका बढ़ा था। अच्छा, लेकिन मेरे आने के बाद तनख्वाह डबल से भी ऊपर चली गई है 5 साल में। तो मैंने तो स्टाफ का बहुत ख्याल रखा है और स्टाफ भी मेरा बहुत ख्याल रखता है, ऐसी बात नहीं है, स्टाफ पूरी इज्जत देता है मेरे को, और मैंने स्टाफ का पूरा मान सम्मान दिया है, हर चीज़ उनकी जो भी डिमांड थी वो पूरी की है स्टाफ की। तो नेचुरल स्टाफ फिर आपके सपोर्ट करेंगे हर चीज़ में, वो खुश रहेगा ऐसी कंडीशन। तो अभी जैसे पीछे सुनने में आ रहा था कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कुछ गड़बड़ी सुनने में आती है, तो वो सब ओके शॉर्ट आउट है इस टाइम हमारे पास सोसाइटी में? शॉर्ट आउट तो नहीं है, अभी चल रही है, लेकिन कुछ लोगों ने जो है बेवजह, जिसका कोई सिर नहीं जिसका कोई पैर नहीं, अब मान लीजिए कि आप मेरे भाई हो, आप आ गए, आपको लोन लेना है,
और उसमें चार कागज, दो कागज, छह कागज कम है और मैंने लोन दे दिया। तो वो इस बात पे उन्होंने कागज ही लिए, इस बात पे केस लगा दिया। अच्छा, मैंने पेपर नहीं लिए, लोन दे दिया। फिर लोन तो दिया है ना, उसका अकाउंट नंबर भी हमारे पास है, उसका बैंक का नाम भी हमारे पास है, उसका एड्रेस भी हमारे पास है, उससे आप पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं कि आप लोन लिया है कि नहीं लिया है। जी, लोन तो दिया है ना, वो तो मैं तो नहीं खा गया कोई, नेचुरली। अब वो कह रहे हैं धर्मपाल खा गया, धर्मपाल खा गया, ऐसे तो हो नहीं सकता, होता उसके अकाउंट में क्या आजकल, तो वैसे भी सब कुछ धर्मपाल कैसे खा गया ना, ये मेरे समझ में नहीं आया। मतलब कोई भी आदमी प्रधान बन जाए, उसके ऊपर ब्लेम लगाने का एक आम धारणा बन गई, धारणा बन गई है, ये पैसे खा गया, ये पैसे खा गया, ये पैसे खा गया, ऐसा कुछ नहीं है। अभी पीछे 8-10 महीने पहले हमारे यहाँ विरोधियों ने ये चाल चली कि सोसाइटी फेल हो गई है और अपनी FD निकलवा लो, अपना पैसा निकलवा लो। ये जगह जगह SMS कर दिए, फेसबुक पे डाल दिया, जगह जगह मतलब सोसाइटी की छवि खराब कर दी जी। तो लोग FD लेने के लिए आने लगे। तो मैंने उसी दिन ठान लिया कि जितनी मेरे पास FD है, आज के बाद मैं कोई FD नहीं ले लूँगा। ओके, और पुराने सारे खत्म करूँगा जी। तो 8-10 महीने में मैंने, मेरे पास 14 करोड़ की FDs थी, तो उसमें से मैंने 12 करोड़ रुपये वापस कर दिए। ओके, सिर्फ 2 करोड़ रुपये बच गए, क्योंकि वो लोग अब लेने नहीं आ रहे। अच्छा, लोग को विश्वास हो गया कि लोग झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अब वो लेने नहीं आ रहे। अब सिर्फ 2 करोड़ रुपये बचे हैं, 12 करोड़ रुपये वापस कर दिए। और फिर मैंने कहा कि हमारे यहाँ भी कुछ FD होनी चाहिए बैंक में। तो आज मेरे पास 10 करोड़ रुपया बैंक में है। ओके, सोसाइटी का सोसाइटी में 10 करोड़ रुपया है। फिर तो पॉजिटिव चल रही है, प्रॉफिट में चल रही है सोसाइटी, हर तरह से प्रॉफिट में चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बेचारा नहीं है। वो उनमें जो आ जाता है तो कहाँ से पैसा आता है, पैसा आता ही नहीं, पैसा कहाँ जाता है भाई। 12 करोड़ और 10 करोड़, 22 करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन कमा सकते थे, कभी भी पॉसिबल नहीं है। नहीं तो वो तो एक अच्छी स्टेप है जो आपने किया हुआ है। तो ये तो एक धारणा गलत लोगों ने, जैसे वही बात है कि प्रधान जो बन गया तो उसके ऊपर कोई ना कोई लांछन लगा दो बस, तो उसको डिमोरलाइज करना है बस। जबकि एक होना चाहिए, एक सपोर्टिव नेचर चलनी चाहिए कि अभी एक सपोर्ट इन्होंने किया तो थोड़ा कहीं ना। अब जैसे ही इलेक्शन आएंगे वो विरोधी साथ में आ जाएंगे। हाँ, और कहना भी ज्यादा, पिछले बार भी देखा था प्रधान जी टीम बनाइए। वही चीज है कि चलो, मैंने पिछली बार भी देखा था कि जब आपके चुनाव हो रहा था तो कुछ लोगों का ग्रुप अलग अलग था, तो बाद में जब देखा था टीम में आपके साथ शामिल हुए थे, तो मेरा क्वेश्चन ये था, मैंने कहा तुम तो विरोधी टीम में लड़ रहे थे, फिर अब साथ कैसे हुए? क्योंकि भाई साहब जीते हैं तो हम, अब उन्होंने धर्मपाल जी टीम बनाई, तो टीम का पार्ट है, तजुर्बेकार हम लोग, इसलिए उन्होंने साथ ले लिया। तो अब की बार आपका क्या विचार है, अब की बार की रणनीति क्या रखेंगे आप? क्योंकि जो जहाँ तक मुझे सुनने में आया जी कि आपके टाइम में सोसाइटी ने तरक्की बहुत की, इसमें कोई शक नहीं। जैसे भी आपने बताया कि 12 करोड़ रुपया वापसी करना एक बहुत बड़ी बात है, 10 करोड़ की FD क्रिएट करना वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, यानी कि टोटल मिला के 22 करोड़ रुपये का टर्नओवर क्रिएट किया आपने कहीं ना कहीं से। तो वो तो अब फ्यूचर में आपका क्या प्लान है कि जो जैसे आप बता रहे चुनाव होने वाले, तो उसमें आप खड़े होंगे इस बार? बस मैं, मेरा खड़े होने का आपकी बार मन नहीं है, क्योंकि 6 साल हो गया, अब किसी नए पार्टी का मौका दो। नहीं वो तो ठीक है, आएगा वो अपने हिसाब से करेगा, कुछ बढ़िया करेगा। नहीं तो फिर आपने कुछ सोचा इसके बारे में, कोई किसी को नॉमिनेट करने का या अपनी तरफ से? तो आप नॉमिनेट करेंगे तो नॉमिनेट तो हो नहीं सकता ना, यहाँ तो चुनाव होंगे होंगे। नहीं ऐसा ऐसा तो है नहीं कि बैठ के सलाह मशवरा करके या बन जाए, ऐसा तो यहाँ तो होता नहीं है। 25,000 मेंबर है तो उसमें कोई ना तो होता नहीं, यहाँ तो कोई ना कोई खड़ा हो ही जाता है, तो यहाँ तो चुनाव तो होने ही होने। अच्छा, चुनाव होंगे, जिससे इच्छा होगी वो प्रधान बनेगा, लड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, लड़े, हमें क्या दिक्कत है, नुकसान ही नहीं कोई। मतलब फिलहाल के लिए भी आपका मूड कम है? मूड कम है। नहीं पर मेरा तो ये कहूँगा सभी संस्थाओं के लोगों, क्योंकि मेरे तो बहुत लोगों से मुलाकात होती है, तो कहते बड़ी तारीफ करते कि धर्मपाल जी ने वाकई में बहुत अच्छा काम किया, तो हम तो चाहेंगे कि आपके साथ शुभकामनाएं दें कि आप चुनाव लड़े। नहीं, यहाँ सोसाइटी में जो है ना इज्जत नहीं मिलती, बेइज्जती करते हैं लोग, यहाँ पैसे खा गया, पैसे बेइज्जती, तो ये पैसे खाने वाली जो समस्या है ना, ये बड़ा टेढ़ा काम है। नहीं, इसमें मैं एक बात कहूँगा जी, मोदी जी को कितनी गाली दे रहे लोग, पर मोदी जी चले जा रहे हो, कह रहे ठीक है मेरा काम। अब उनको तो देखो ना, पालतू कुत्ता, पता नहीं क्या 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 बोलते हैं, अंधभक्त बोलते हैं, चमचा बोलते हैं लोगों का, तो बगरो चल रहा है, कह रहे हैं मेरे को तो अपने देश के लिए काम करना है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी तो सोच आपको भी तो क्रिएट करनी चाहिए कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को तो सोसाइटी का भला करना है। तो ये सोच कहीं ना कहीं आपके अंदर हम तो कहते आनी चाहिए। ठीक बात। चलिए देखते हैं, अभी राम मंदिर के मुद्दा चल रहा है, 22 तारीख को पूरा हिंदुस्तान, क्या पूरा वर्ल्ड राममय है इस समाज के लिए,
तो आपने भी कुछ तैयारी की होगी, क्योंकि आप भी बहुत सी संस्थाओं के प्रेसिडेंट हैं और बालाजी में भी आपकी बड़ी धर्मशाला है और बड़े वहाँ पे बड़े काम करते रहते हैं आप, तो आपने कुछ सोचा होगा इसके लिए? बालाजी में हनुमान जी का मंदिर है जी, तो हमारा 22 तारीख का अबकी बार वहाँ प्रोग्राम है बालाजी में जी। 5,100 लेडीज जो हैं वो लेके चलेंगी कलश लेके चलेंगी बालाजी मोड़ से लेके राम मंदिर तक। अच्छा। और उनको चाय नाश्ता खाना सब कुछ दिया जाएगा धर्मशाला की तरफ से, पूरा बढ़िया प्रोग्राम बनाया गया है और सबकी वहाँ पे पूजा होगी बैठ के, जब मोदी जी पूजा करेंगे उसी टाइम सारे बैठ के पूजा करेंगे जी, सारा राम में वातावरण होगा पूरा जी। पूरी बालाजी राम में कितने सजादी गई है। अच्छा। पूरी आप चाहे देखोगे आज बालाजी में पूरा राम में बना दिया गया है, पूरे झंडे बैनर सब कुछ लगा लो कैसा बना दिया गया जैसे राम जी आने वाले हैं। तो जैसे सब जगह चल रहा है कि दीवा दीवे ही जला जाएंगे, तो आपने भी कुछ दीवों का सोचा होगा कितने दीवे हम लोग? दीवे तो वहाँ जलाएंगे, दीवे तो वहाँ से राम बालाजी मोड़ से लेके मंदिर तक जितनी भी जगह है टोटल में दीवे जलेंगे। तो ये तो मेरे को लगता है 10,000 से ज्यादा जितने भी लगेंगे पूरे, मतलब बिना गिनती के अनलिमिटेड दीवे जलाने का टारगेट है। तो और बाकी जो विरोधी कई बार बोल रहे हैं कि ये तो राम को राजनीतिक बना दिया, तो आपको क्या लगता है, क्या राजनीतिक मुद्दा है या धार्मिक मुद्दा है या एक हमारी आस्था का केंद्र है? नहीं, आस्था केंद्र है हमारा, ये आस्था है हमारी राम जी में। राम जी तो देखो सब जातियों के हैं, इसमें तो है नहीं कभी मुसलमानों के नहीं है या क्रिश्चियन के नहीं है या किसी के नहीं है, सबके हैं, तो सिखों के भी हैं, सबके हैं राम जी। तो राम जी से जो शिक्षा मिलती है मेरे ख्याल से आज तक वो किसी से नहीं मिली जो राम शिक्षा मिलती है। और सनातन धर्म सनातनी जो है ना, वो राम जी थे, राम जी ऐसी शिक्षा देते थे वो किसी शिक्षा नहीं मिली। अब देखो ना राम जी रावण से लड़े, क्या राम जी को पता नहीं था रावण कौन है? पता था, सब पता था बिल्कुल। और राम जी देख मिनट में वैसे मार सकते थे, घर बैठे मार सकते थे। हाँ, एक तीन घर बैठे तीन छोड़ देते हो जाता, मगर पूरा उन्होंने चक्कर रचा। तो उन्होंने शिक्षा दी लोगों को, शिक्षा देने का काम था, शिक्षा दिया, शिक्षा दे गया, उन्होंने काम किया। तो राम जी को तो सब मानते हैं, राम जी का तो मंदिर बना 500-550 साल में बना है, बड़ी खुशी की बात है। हर एक को आना चाहिए, हर एक को अपने घर बाहर दिए जलाने चाहिए 22 तारीख को रात को 5-5, 10-10, 11-11 दिए जलाने चाहिए और पूरी जगमग करनी चाहिए, पूरी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आपका एक संदेश क्या जाता है सोसाइटी के मेंबर्स के नाम पे या जो लोग आपके वीडियो को सुनेंगे देखेंगे, तो उनके लिए राम मंदिर के नाम पे आपका क्या खास संदेश क्या देना है? राम मंदिर का भाई, राम मंदिर 22 तारीख को अपने घर के बाहर दिए जलाएं और खुशी नाचे गाएं और मिठाइयां खाएं, एक दूसरे को खिलाएं, पर खुशी मनाएं पूरी हो क्या। जैसे कि किसी ने किया है कि दिन में तो हम होली मनाएंगे रात को दिवाली मनाएंगे, क्योंकि हमारे लिए तो डबल खुशी का मौका है, तो कुछ ऐसे ही दिवाली पूरी दिवाली मननी चाहिए, पूरी दिवाली मननी चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। अगर मोदी जी नहीं होते तो शायद ये काम होता भी नहीं। हाँ, ये तो लगता है जी, सभी को लगता है कि मोदी जी ने ही। पर ये कि जो ओपोजिट वाले वो कहते हैं ये तो सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर बनवा दिया, इसमें मोदी जी का तो रोल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी किसने वो करी, परस्यू किया, केस वो किया, पूरा मोदी जी का हाथ था उसमें जी, तभी वो जीत पाए, नहीं तो नहीं जीत पाते, मोदी जी नहीं होते तो नहीं जीत पाते जी। मुस्लिमों की जो क्या था, ये जो हटाया शादियों का था, क्या था, तीन तलाक हटाया, वो हर एक बस की बात थोड़ी थी जी। तो मोदी ने काम तो अच्छे किए, ऐसी कोई दो रहे नहीं है, काम अच्छे किए, काम बहुत बढ़िया बढ़िया किए, और 2024 में तो आना ही आना है मोदी जी को, इसमें तो कोई बात नहीं, कोई बात ही नहीं, इसमें तो कोई खास बात नहीं, फुल मेजोरिटी के साथ, मेजोरिटी के साथ। जैसे कहते इस बार 2024 में 400 पार, तो आपको 400 नहीं तो 350 तो आई जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, 350-400 आ जाएंगे, मतलब फुल मेजोरिटी आनी है। तो ये थे हमारे बीच में धर्मपाल गोयल जी, जिन्होंने राजनीतिक और अपनी संस्था से संबंधित कई सारे सवालों के खुल के जवाब दिए। तो इसी तरह के आप चैनल पर वीडियोज देखते रहे, लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, रिपोर्ट, नमस्कार।